मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है आई फील What's up guys, welcome back to another video. तो ये एक tier list video है जिसमें हम लोग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को रेट करेंगे बट नॉट ऑन देयर ब्यूटी बट हमको क्या लगता है उनकी इंटेलिजेंस कैसी है. तो आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं सॉल्टी साहिल जिनका चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये चलते हैं टीयर लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि इस टीयर लिस्ट में जो ये SABF आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है. वेलकम साहिल, अगर आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो आप कर सकते हो अभी. सो थैंक यू सो मच. ज़्यादा कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए है नहीं. आई जस्ट स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल दिस मंथ और बस वो ही है फॉर द कम्युनिटी. तो बस इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं. ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की. तो लेट्स स्टार्ट विद साहिल, अपना टेक बताओ. कोई भी एक एक्ट्रेस उठाओ और बताओ कि कौन से इसको डालना चाहिए SABF में. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अनुष्का शर्मा फर्स्ट. सो अनुष्का शर्मा जो है उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था इफ़ यू सॉ दैट वीडियो, जिसमें किसी ने शायद कचरा वचरा कुछ तो गाड़ी से फेंका था और वो सच में मतलब ऐसा हाइपर हो गए. अगर तुमने देखा हो वो वीडियो. व्हाई यू थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड? व्हाई यू थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड? यस, व्हाई यू थ्रोइंग प्लास्टिक ऑन द रोड? प्लीज बी केयरफुल, यू कांट जस्ट थ्रो प्लास्टिक अराउंड लाइक दैट ऑन द स्ट्रीट्स, यूज अ डस्टबिन. हाँ तो आई थिंक कि अभी के लिए मतलब शीज ओके इस काइंड ऑफ, बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं कहूँगा बिकॉज आई हैव सीन हर इंटरव्यूज एंड ऑल. तो इट्स नथिंग लाइक कि इंटेलिजेंस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो सुपर भी नहीं मैं कह सकता हूँ, मगर मीडियोकर तो फिर एम में तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मतलब शी डिजर्व्स दैट ए स्लॉट, मतलब हमारी लिस्ट का. अकॉर्डिंग टू मी मेरे को भी ये सेम चीज लगती है कि मतलब बहुत ज़्यादा कभी हमने इंटरव्यू में डम भी नहीं देखा उनको, बट कहीं भी ऐसा भी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ही हो रखे हैं वो. हाँ एग्जैक्टली. ए मेरे ख्याल से. हाँ लेट्स गो फॉर ए. लेट्स गो फॉर ए. तो नेक्स्ट है ऐश्वर्या राय. तो ऐश्वर्या राय का मेरा कहना है कि यार मतलब मैंने जितने इंटरव्यू सुने हैं तो काफ़ी सेंसिबल बातें करती हैं और कभी उनके उसे इंटरव्यूज़ में या कहीं पे भी ऐसे कोई डम चीज़ देखने को नहीं मिली, खासकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में या कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो. तो आई गेस आई डोंट रियली नो कि वो ए में जानी चाहिए या एस में. तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि मेरे पास उतना डेटा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कह सकूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ही है ये, तो एस और ए के बीच में कन्फ्यूज़ हूँ मैं. तो मैं कहूँगा कि शी डिजर्व्स एस रैंक बिकॉज वो काफ़ी ब्यूटी पेजेंट्स जीत चुकी है इफ़ यू नो लाइक मिस वर्ल्ड. आई थिंक मिस वर्ल्ड भी शायद वो रह चुके हैं ना. तो मिस वर्ल्ड इज नॉट लाइक बच्चों का खेल यू नो, वहाँ पे काफ़ी क्विज मतलब क्विज राउंड भी रहता है, एक इंटेलिजेंस लेवल भी चेक किया जाता है, सिर्फ मॉडलिंग के बेसिस पे कोई मिस वर्ल्ड नहीं बनता. तो आई थिंक इंटेलिजेंट वो डेफिनेटली है, दैट इज़ वाई शी won that title. तो मेरे हिसाब से तो I think S rank would be the perfect for her according to me, like whatever you want on. ऐश्वर्या को हम लोग डालते हैं फिर S में ही डालते हैं क्योंकि मेरा confusion भी S और A के बीच में ही था and काफी valid point है beauty pageant वाला. तो अगला बताओ कौन सी actress लेनी है? अगला आई थिंक आलिया भट्ट. वो थोड़ा मतलब एक इजी सा वो रहेगा और मेरे को उम्मीद है कि हम दोनों एक ही चीज पे एग्री करेंगे. तो और तो शायद आलिया क्या लगता है आपको? हाँ आलिया भट्ट तो आई थिंक मतलब नेशनली फेमस है ब्रो, मतलब सबको पता है कि आलिया भट्ट मतलब फेमस. ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है भी नहीं मेरे ख्याल से. हां वी डोंट हैव टू डिबेट अबाउट इट. आलिया को एफ में डाल ही देते हैं. हां हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह. व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रणब मुखर्जी. ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. प्रणब मुखर्जी. उस दिन तुमने गांजा फूका था तेरे मास्टर ने. फिर है सोनाक्षी सिन्हा. हम लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा और मुझे लगता है वो भी आलिया भट्ट की कैटेगरी में ही आती है.
हाँ एक्चुअली ऊपर से मतलब पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है वरना इसको ट्रिम आउट कर देना, मगर लाइक नेपोटिज्म केस है, और नेपोटिज्म मतलब ऐसा है कि काफ़ी आर्टिस्ट वो भी है जो टैलेंटेड भी है मगर आई थिंक वो शायद उतना नहीं वो कर पाते हैं मतलब। वैसे मतलब मेरे को नेपोटिज्म से एज सच कोई बुराई नहीं है, बट अगर टैलेंट अच्छा है जैसे काफ़ी एक्टर्स है ऋतिक रोशन हो गया, रणवीर कपूर हो गई, सब नेपोटिज्म के ही हैं, बट टैलेंटेड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे पर सोनाक्षी सिन्हा का मैंने बेसिकली इसलिए बोला था केबीसी वाला जो उनका एपिसोड था रामायण के बारे में पूछा गया था, उनके घर में सबका नाम रामायण पे बेस्ड है। नहीं मालूम था ये। गेस इनको एफ में ही डाल देते हम लोग। हाँ मतलब मैं एग्री करता हूँ इसी चीज से, तो मतलब मेरी टियर लिस्ट में तो रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। अगली एक्ट्रेस आई थिंक श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर ओके, क्या कहना है श्रद्धा कपूर का? हाँ तो श्रद्धा कपूर काफी इंटेलिजेंट लगती है मुझे, और मतलब वही ना जो तुमने कहा था कि नेपो किड्स भी कई टैलेंटेड है, तो काफी अच्छा डेब्यू भी काफी अच्छा रहा था श्रद्धा कपूर का आशिकी 2। ऊपर से मतलब इन्होंने काफ़ी मतलब वो की है स्टडी की है एक्चुअली, शी वेंट टू न्यूयॉर्क एकेडमी, मतलब जो भी वो स्कूल है मतलब एक्टिंग स्कूल। हाँ तो मतलब अभी हम तो मतलब अगर कोई एक्टिंग स्कूल जाता है तो शायद जज नहीं कर सकते ना कि ये एक्टर है या नहीं है, मतलब काइंड ऑफ मतलब उन्होंने प्रूफ भी किया है अपना मेटल, ठीक है फिल्म में काफ़ी अच्छी मूवीज मतलब एक्टिंग की है, कईयों को लगता है कि ओवर एक्टिंग है मगर मेरे को तो नहीं लगता, और मैं ए कैटेगरी में रखूंगा, अगर एस में नहीं भी तो ए में रखूंगा। मेरा भी कुछ सेम सा सोचना है कि मतलब उनने अपनी फील्ड के बारे में पूरी पढ़ाई की है, और हाँ, जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं श्रद्धा कपूर के दे आर लाइक डिसेंट, और कभी ऐसा नहीं लगा देख के कि हाँ भाई कुछ भी बोल रहे हैं, तो आई गेस उनको एस में भी रख सकते हैं ऐसा कोई। हाँ एस में भी रख सकते हैं ऑल्सो, मतलब कभी इंटरव्यू में इनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ एम्बेरेसिंग से इन्होंने कर दिया, जैसे आलिया भट्ट एंड लाइक सोनाक्षी सिन्हा अभी हमने देखा, तो मतलब वो इसीलिए हमने एफ में रखा बिकॉज हमने इंटरव्यू देखे हैं जहाँ वो मतलब दे एम्बेरेस देमसेल्व्स, तो शी हैंडल्स इट लाइक वेरी इंटेलिजेंटली, सो एस ठीक रहेगा फिर। श्रद्धा को हम एस में डाल देते हैं। Next, let's talk about Deepika Padukone. Okay. Talk about her. Okay, so Deepika Padukone, she's kind of like, I like her acting actually, and she have done a really great job in that Ram Leela movie, if you have seen it. हाँ ऑल्सो मतलब वही बात है, अगर हम इंटरव्यू के बेसिस पर भी देखें तो she haven't embarrassed her कभी भी। Also, also she's a national badminton champion, I've heard about it. I don't know if that's true or not, but aisa ki matlab Deepika Padukone deserves A at least meri side se. Agar tum S rank mein bhi, agar tumhare paas valid matlab reasons hai to tum S rank mein bhi dal sakte ho, issue nahi hai, problem nahi hai usse, but I think A, to matlab mera to A hai. Maine Deepika Padukone ke matlab aisa kuch khaas इंटरव्यू सुने नहीं है, मतलब बहुत कम सुने हैं, और जनरली जैसे एक्टिंग तुमने कहा अच्छी है और काफ़ी कंसिस्टेंट एक्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक मूवी बहुत ही ख़राब है बाकी में बहुत ही अच्छी है, तो अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, बट एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी है दीपिका पादुकोण, और मैंने इनके जितने भी देखे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी और स्वीट से, तो इनको हम एस में डाल सकते हैं। हाँ मतलब एस से तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ए से नीचे मतलब आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स ए से तो नीचे शी डज नॉट डिजर्व, तो मैं सोचता हूं इनको एस में रखें तो ज्यादा सही है। हाँ फिर एस में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परिणीति, व्हाट डू यू से? परिणीति चोपड़ा, पता नहीं ज्यादा जानता नहीं हूं मगर शी इज मल्टी टैलेंटेड, यस, और शी सिंग्स, शी सिंग्स, एक्टिंग भी ठीक करती है। हाँ एक्टिंग भी अच्छी करती है, एंड वही मतलब इन्होंने भी शायद अपना वो किया है फील्ड में एक्सप्लोर किया है, पढ़ाई वढ़ाई वहीं से की है न्यूयॉर्क एकेडमी से शायद।
तो वो भी मतलब शी सीरियस अबाउट एक्टिंग. अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक्टर का बच्चा मतलब बोले कि हमें भी एक्टर बनना है तो पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं हम एक्टर है तो तुम इन्हें पकड़, इसीलिए तुम एक्टर मत बनो, तो वही ऐसा नहीं है. हाँ तो आई थिंक फिर से मतलब एस और ए के बीच में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, बट आई डोंट थिंक शी डिजर्व बिलो ए ये मेरे को बिकॉज लगता है मैं. इनको एस सही, ए सही रहेगा इनके लिए, क्योंकि मतलब एस के हाँ लायक तो आई हैव नेवर हर्ड कि इंटरव्यूज में कुछ ऐसा हुआ हो स्पेशल कि हाँ भाई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिखाया हो. फॉर हाँ नाउ आई हाँ गेस हाँ ए इज द राइट चॉइस फॉर हर. हाँ कूल. जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस भी मिस श्रीलंका रह चुकी है. हाँ एंड हाँ एंड मतलब मिस श्रीलंका वही ना, मतलब इंटेलिजेंस भी वो रहता है उसमें, फैक्टर रहता है. ऑल्सो एक्टिंग भी मतलब वैसे कई मूवीज है जो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें कि जो देखा जा सके कि भाई बहुत अच्छी एक्टिंग है, जो मतलब नॉर्मल एवरेज सी थी. हाँ तो हाँ ऑल्सो आई मतलब वरुण धवन ने अपने एक उसमें कहा था जो नो फिल्टर इंटरव्यू में कि शी लाफ्स अ लॉट, और मतलब एक पॉइंट पे शी इज अनोइंग टू पीपल अराउंड हर, मतलब कि इतना ज्यादा हमेशा मतलब नॉन सीरियस चीजों पे भी, तो नॉन सीरियस चीजों पे हंसना लाइक थोड़ा इंटेलिजेंट फैक्टर तो नहीं रहेगा, ठीक है. अब अगर हाँ कोई मैच्योर इंसान है, थोड़ा इंटेलिजेंट सा है, तो वो इतना नॉन सीरियस चीजों पे नहीं हंसेगा. तो बी या एफ में से कोई, बी मेरे ख्याल से. बी मेरे हिसाब से भी ठीक रहेगा बिकॉज आई डोंट नो वैसे तो, पर चलो मतलब मैं बी रखूंगा अपनी तरफ से, मतलब मेरा तो प्रेफरेंस. बी में ही डालते हैं. हाँ लेट्स टेक कैटरीना कैफ नेक्स्ट, और लास्ट इनको ही कर लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वीडियो हाँ अच्छी खासी 5-10 मिनट की हो गई है. ओके. सो कैटरीना कैफ, पहले तुम बताओ कैटरीना कैफ के बारे में, व्हाट कैटरीना डू यू कैफ थिंक? को और मेरे को लगता है कि शी इज़ नॉट रियली इंटेलिजेंट, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे कैटरीना कैफ के, कुछ ना कुछ वियर्ड सा करते हुए देखी है मेरे को. कभी इनसे पानी की बोतल नहीं समझ में आ रही इनको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, कभी इनके आंसर्स इनके डायरेक्टर दे रहे होते हैं या प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं, मतलब कभी खुद से इनिशिएट करती हुई नहीं दिखी गई. अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, हो सकता है ये लैंग्वेज अवॉइड करना चाह रही हूँ या बात करना नहीं पसंद हो पब्लिक में, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे को ऐसा सच कुछ इंटेलिजेंट फैक्टर इनका देखने को नहीं मिला. बट ये भी नहीं है कि एफ वाली भी नहीं है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये बी या ए वाली कैटेगरी में मोस्ट प्रॉब्ली बी. हाँ तो अभी बात अगर कैटरीना कैफ की करे, तो अभी जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी काफ़ी मूवीज डब्ड रहती थी, मतलब हिंदी इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो पता नहीं मतलब इनके काफ़ी डायलॉग्स ऐसे थे जो इनको बहुत बार वो करने पड़ते थे हाँ रिपीट. रिपीट करते थे हाँ बाद में. हाँ तो वो है कि मतलब वैसे तो चलो तुम ट्राई कर रहे हो, अगर तुम मतलब कोई और लैंग्वेज की हो और फिर तुम इस उधर से आ रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग अ मूवी ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेज दैट यू डोंट इवन स्पीक प्रॉपरली, तो वो मतलब ऐसा है कि अप्रिशिएटेबल है, मगर वो ये कि वो जो इंडस्ट्री में आई है एंड मतलब फेवरेटिज्म चलता था, तो फेवरेटिज्म की वजह से आई थिंक वो हमारे मतलब इसमें बॉलीवुड में आए हैं. और मतलब अगर स्ट्रगल की बात करें, तो अगर स्ट्रगल करके वो आती तो शायद आई डोंट थिंक कि वो अभी तक मतलब उनको कोई जानता बॉलीवुड में. सलमान खान ने इनका डेब्यू करवाया था, ठीक है. वही हाँ तो वो ये कि ये थोड़ा फेवरेटिज्म का भी केस हुआ, और इंटेलिजेंस तो आई थिंक बी या ए समथिंग, बिकॉज खुद का स्ट्रगल नहीं रहा है ना. वही बात है कि इफ यू टॉक अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑल, तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता सोचने का उनके बारे में कि एस चूज करें या ए चूज करें. वही तो हाँ बेसिकली बी मेरे ख्याल से मेरे को एकदम एप्ट लग रहा है इनके लिए, हाँ तो बी ठीक रहेगा. तो इनको हम डाल देते हैं बी में. अब यस मैं देखो बच गए हैं 6 एक्ट्रेसेस, तो मैं ये छोड़ता हूँ अपनी ऑडियंस पे कि इनको कहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे, ए बी या एफ में. तो जो भी हाँ होगा नीचे वो अच्छा कमेंट्स में बताएं तो सही रहेगा, मतलब मज़ा आएगा. तो आप सब कमेंट्स में बता देना आप इन सबको कहाँ प्लेस करना चाहोगे. एंड ऑल्सो चेकआउट साहिल का चैनल, काफ़ी मस्त मस्त वीडियोज डाल रहा है और काफ़ी जल्दी ग्रो किया है मतलब साहिल ने. कितने सब्स हो गए साहिल? अभी शायद 440 समथिंग हो गए हैं, 440+ चार समथिंग कुछ वीडियोस ऐसा आई हैं है. शायद चैनल पे. हाँ पांच नहीं, अब तो 6 हो गई है वैसे, मगर ये है कि 2 वीडियो जैसी थी बोनस टाइप, मतलब रिएक्शन रिव्यू जो मैं
करता नहीं हूँ, वो तो बस एक वो था कि अच्छा ट्रेलर आया तो आई थॉट कि क्यों ना कर लिया जाए। तो देख सकते हो ये अपने आप में कंटेंट के बारे में बता रहा है कि कितना अच्छा कंटेंट चल रहा है वीडियो चैनल पे, तो जरूर चेकआउट करना सा चैनल। और कोई एनी पार्टिंग मैसेज साहिल? पार्टिंग मैसेज तो ऐसा नहीं होगा, बस वही है कि डू चेकआउट माय चैनल, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब। और ऑल्सो अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत गलत बात है। राज भैया मतलब ऑलमोस्ट डेली वीडियो डालते हैं कभी कभी, तो दैट इज़ नॉट रियली ईजी। आई अप्रिशिएट हिम फॉर डेली वीडियोज एंड मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं भाई, मतलब 4 मिनट की वीडियो में पूरा सीरीज तुम्हें रिव्यू करके बता रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट्स ऑल। थैंक यू साहिल, और दोबारा कभी जल्दी करते हैं एक और कॉल, आप देखते हैं वीडियो कैसी चलती है, दोबारा करते हैं वीडियोस, तो साहिल आपको दिखते रहेंगे चैनल पे। तो दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वॉचिंग गाइस, एज ऑलवेज पीस आउट।